मुकम्मल फिट न होने के बावजूद शाहीन शाह अफरीदी को वर्ल्ड कप के लाया गया। करीबी ज़राए का दावा। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी मामूली या संजीदा नौयत की है, इस हवाले से मतजाद खबरें सामने आ रही हैं। शाहीन अफरीदी जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में घुटने की इंजरी का शिकार हुए। पहले ये तनाज़ा खड़ा हुआ कि शाहीन को आराम करवाने के बजाय टीम के साथ नीदरलैंड फिर एशिया कप के लिए दुबई ले गए हैं। इसके बाद वो रीहैब के लिए लंदन गए। इस दौरान ये खबरें भी आईं कि शाहीन अफरीदी तमाम मामलात को देख रहे हैं और पीसीबी ने इन्हें तनहा छोड़ दिया है, जिसकी पीसीबी को तरतीब करना पड़ी। आप शाहीन के करीब ज़राए का दावा है कि वो मुकम्मल फिट नहीं थे, इसके बावजूद इन्हें वर्ल्ड कप खिलाया गया। शुरू के मैचेस में वो स्ट्रगल करते रहे और फाइनल में वो दो बार इसी घुटने की इंजरी का शिकार हो गए। ज़राए ने यह भी कहा कि पीसीबी का मेडिकल यूनिट हकीकत बयान नहीं कर रहा। शाहीन की इंजरी संजीदा नौयत की है और इन्हें टेयर टू है। ज़राए ने दावा किया कि शाहीन अफरीदी की सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी बोर्ड बता रही है और रिपोर्ट सामने लानी चाहिए है। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पीर को मेलबर्न में शाहीन का एमआरआई स्कैन हुआ। पीसीबी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नजीबुल्ला समरो और ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर पीर ने अपने रिपोर्ट में तस्दीक की कि शाहीन अफरीदी की इंजरी की नौयत संजीदा नहीं, वह बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर ने इन्हें दो हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। पीसीबी के मुताबिक शाहीन अफरीदी के स्कैन में बड़ी इंजरी की निशानदेही नहीं हुई, वो दो हफ्ते बाद एक्शन में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे, बाकी मैचेस में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।